हाय, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिसके क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ सिलेबस देखते हैं। तो आप में से जो सभी लोगों के यूनिवर्सिटी में ये सभी टॉपिक्स जरूर होंगे। इनमें एक पार्ट इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा पार्ट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और कॉन्करेंट प्रोसेसेस के लिए होगा, तीसरा पार्ट सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड होगा और चौथा पार्ट मेमोरी मैनेजमेंट से होगा और फाइनली एक पार्ट होगा जो कि डिस्क शेड्यूलिंग और आईओ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो हम लोग इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड या इन सभी यूनिट्स को एक एक करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यूनिट वन की बात करूं तो यूनिट वन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये आना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रॉपर डेफिनेशन, और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपने भी पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेयर्ड अप्रोच हो सकता है, या जिसमें कि एक लेयर दूसरे लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है और माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर भी। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को आप जरूर एक्सप्लेन करें जब भी आपसे ये पूछा जाए एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो है, जो यूनिट वन से क्वेश्चंस बनते हैं उसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा, रियल टाइम सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा। तो टाइप्स ऑफ, कभी कई बार ऐसा पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप बताइए। इन सभी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन कर दीजिए। तीसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। जैसे डिफरेंस पूछा गया कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप बता दीजिए। तो आपको डिफरेंस बताना है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसी तरह से कई बार आपसे पूछा गया है, जा सकता है कि आप सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के डिफरेंस बता दीजिए। तो जब भी आप डिफरेंस मेंशन करें तो पॉइंट बाई पॉइंट आप मेंशन करें, दो पार्ट बना ले। अगर आपसे दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है तो आप दो पार्ट जरूर बना ले और यहाँ पे पैरामीटर लिखें कि किस पैरामीटर के बेसिस पे आप वन के बारे में लिख रहे हैं और किन किसके बारे में, उसी सेम पैरामीटर के बारे में, टू के बारे में। तो पैरामीटर बाई पैरामीटर आप डिफरेंस जरूर रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से आपसे आरटीओएस के बारे में, मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ इसी यूनिट के कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कह सकते हैं कि व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट आर दी सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये मेंशन करना, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। फिर इसी के बाद कर्नल के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब भी कर्नल के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे ये या तो ये पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ कर्नल कौन कौन से होते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा कि मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल और हाइब्रिड कर्नल। इसके बाद जो क्वेश्चन इससे बनता है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से पूछा जा सकता है
और साथ में इसके ये भी पूछा जा सकता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक टर्म स्पूलिंग, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। तो स्पूलिंग के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब भी आपसे ये कहा जाए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को आप कैसे इंप्रूव करें। मेजरली हमारे यूनिट वन से यही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है अलॉन्ग विद द कर्नल। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, और आपसे ये कहा जाता है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल्स। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सिस्टम कॉल्स होते हैं, कुछ सिस्टम कॉल्स ऐसे होते हैं जो फाइल मैनेजमेंट के लिए होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम कॉल्स होते हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। तो उन लगभग 5 तरह के ये टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स में आप उनको फिट कर दीजिए और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए हर टाइप के सिस्टम कॉल्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं यूनिट वन का, कि व्हाट आर द सिस्टम कॉल्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल। एक आपने और सुना होगा फॉर्क सिस्टम कॉल के बारे में, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल माना जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी फॉर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया जाता है तो हमारा जो करेंटली रनिंग प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पेरेंट प्रोसेस और एक चाइल्ड प्रोसेस। तो एक छोटा सा कोड देके हमसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कोई एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि हमारा एक लूप चल रहा है फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक कॉल किया गया फॉर सिस्टम कॉल, और इसके नीचे एक स्टेटमेंट है लेट से, हमने कहा प्रिंट एफ हेलो। तो ये हेलो कितनी बार प्रिंट हो रहा है आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास एक फॉर कॉल होता है तो आपका पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में ये डिवाइड हो जाता है, एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है जिसको चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट में शेल क्या काम, शेल का काम क्या। तो जैसे आप कर्नल पढ़ रहे हैं वैसे ही शेल भी जरूर पढ़िए कि शेल में क्या होता है, क्या शेल का बेसिक वर्क क्या है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और वहां पे ये भी पूछा जाता है कि बायोस का क्या रोल है हमारे प्रोग्राम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग में इन द सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोस क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोस में क्या क्या चीजें स्टोर्ड होती हैं, किस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में लोड होता है, ये भी आपको पता है। तो यूजुअली जो फर्स्ट यूनिट है उससे यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आइए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन का, जिसमें हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस के बारे में। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये पार्ट जिसमें कि हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, और एक वो पार्ट जिसमें हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि कंपीटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो हुए जिसमें एक कुछ प्रोड्यूस करता है और दूसरा उसको कंज्यूम करता है। कंपीटिंग प्रोसेसेस वो हो गए कि एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन है बिटवीन द मेनी प्रोसेसेस। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेस कंडीशन क्या होती है। अगर आपको कंपीटिंग प्रोसेसेस के बारे में पता है तो रेस कंडीशन के बारे में आपको पता होगा, और रेस कंडीशन को जानने के बाद आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जब भी कोऑपरेटिंग या कंपीटिंग प्रोसेसेस होंगे तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के मैकेनिज्म क्या है।
और इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो आपको पता ही होगा कि जहां पे भी शेयर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है उसको हम कहेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन है। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम एंट्री सेक्शन कहते हैं। जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना चाहेंगे तो एंट्री सेक्शन लगा देंगे, और इसके बाद हम एक एग्जिट सेक्शन लगा देते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि सिंक्रोनाइजेशन को हम अचीव कैसे करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स आप जो भी डिजाइन करेंगे वो किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और एक होता है प्रोग्रेस, और एक होता है बाउंडेड वेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स को, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए जो मैकेनिज्म्स आप डिजाइन कर रहे हैं, डिवाइस कर रहे हैं, वो इन तीन प्रॉपर्टीज को जरूर सेटिस्फाई करें। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी का ये मतलब है कि जो भी आपने सोल्यूशन बनाया है वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि वो उस पर हार्डवेयर की डिपेंडेंसी ना हो। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स, आपने ये जान लिया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए या किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स डिवाइस हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, और जरूर आपको उनकी वर्किंग को समझना चाहिए। जैसे कि लॉक के थ्रू हम कैसे सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहे हैं, और जब भी आप इसको एक्सप्लेन करें उसके साथ साथ आप ये जरूर एक्सप्लेन करें कि इन चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह से दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं टीएसएल या टेस्ट सेट लॉक मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। लॉक मेथडोलॉजी को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जिसको हमने फिर कहा कि टेस्ट सेट लॉक मेथड है, जिसको हम टीएसएल शॉर्ट में भी कहते हैं। फिर इसके बाद आपको पीटरसन सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। पीटरसन सोल्यूशन कैसे डिवाइस किया गया, आपको पता होगा कि पीटरसन सोल्यूशन को बनाने के लिए पहले टर्न वेरिएबल का यूज किया गया और फिर इंटरेस्टेड का यूज किया गया। टर्न और इंटरेस्टेड को कंबाइन करके फिर हमने पीटरसन सोल्यूशन बनाया, जो कि पहला ऐसा सोल्यूशन है जो कि कंप्लीट सोल्यूशन है, जो कि चारों प्रॉपर्टीज को, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ आपको डेक्कर सोल्यूशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी जो मैकेनिज्म्स हैं उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, कोड आना चाहिए आपको, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कोड को आप थॉरली एक्सप्लेन कीजिए। केवल कोड को लिख के मत छोड़ दीजिए, बल्कि आप कोड को थॉरली एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसके बाद सेमाफोर्स के बारे में, सेमाफोर भी एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे कि हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करते हैं, तो सेमाफोर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेमाफोर कैसे वर्क करते हैं, उसमें वेट और सिग्नल का क्या यूज है, और वेट और सिग्नल को ही आपको पता होगा पी और वी कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव समिंग्स को कहते हैं। तो पी और वी का क्या रोल है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए जिसमें कि वेट और सिग्नल का यूज करके किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन को अचीव किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइनरी सेमाफोर क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि काउंटिंग सेमाफोर क्या होता है। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के पार्ट में वेट एंड सिग्नल की डेफिनेशन आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एटॉमिक फंक्शंस हैं, तो इनकी डेफिनेशन लिखी होगी कहीं पे, तो वो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और आप उसको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। फिर इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी। तो क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में आपको जरूर पता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, फिर बाउंडेड बफर प्रॉब्लम जिसको कि हम बेकरी प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसके अलावा डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, जब भी आपसे इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉपर डायग्राम बनाएं, एंड देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें, कायदे से एक्सप्लेन करें, हर एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करें, सारी कंडीशंस को मेंशन करें उसके, और सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए
यूजुअली आपको सेमाफोर सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए जिससे कि आप इनको इनके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करें। और फिर आप ये भी एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये चार प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई। तो रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम और कभी कभी स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये तो हो गए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से रिलेटेड। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है क्या। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातें आपको सॉकेट्स के बारे में भी पता होनी चाहिए एज अ शॉर्ट नोट्स, और आपको रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दिस कंप्लीट दी यूनिट टू। यूनिट टू में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रिटिकल सेक्शन है, और क्रिटिकल सेक्शन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाएगी वो ये बताया जाएगा कि सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। पीटरसन और डेकर सॉल्यूशन यूजुअली हर एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली जरूर पूछा जाता है। सेमाफोर के बारे में जरूर पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा इन चारों में से कोई एक प्रॉब्लम को स्टेट करना और फिर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना। तो ये तीन चार प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के फॉर्म में रख सकते हैं। यूनिट थ्री की बात करते हैं। यूनिट थ्री सबसे आसान यूनिट है और इससे यूजुअली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो यूनिट थ्री हमारा है प्रोसेस का। तो प्रोसेस में हमसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस। फिर आप ये एक्सप्लेन करें, जब भी आपसे प्रोसेस के बारे में कहा जाए तो आप ये जरूर एक्सप्लेन करें कि प्रोसेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको जरूर पता होगा कि प्रोसेस में कोड होता है, प्रोसेस को जब भी हम एग्जीक्यूशन के माने किसी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूशन के फॉर्म में लाते हैं तो उसका कोड आता है, एंड देन उसके बाद उसमें एक हीप रीजन बनता है, एक स्टैक रीजन बनता है, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एरिया बनते हैं। तो इसको आपको डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करने आना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि जो हीप रीजन होता है और जो स्टैक रीजन होता है वो एक दूसरे की बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रोसेस के। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन कौन से। तो आपको पता होगा कि किसी भी प्रोसेस का आइडेंटिटी कार्ड की तरह से होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसका करंट स्टेटस क्या है, कौन कौन से जनरल पर्पज रजिस्टर को उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, कौन कौन से स्पेशल पर्पज रजिस्टर को उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, प्रोसेस का स्टेट करंटली क्या है, किस स्टेट में उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसी तरह से आपको प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निश्चित रूप से आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रख सकते हैं। और जब भी आपसे ये पूछा जाए प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, तो अलॉन्ग विद द डायग्राम दैट इज मेंशनड इन द गैल्विन आपको दो और स्टेट इसमें मेंशन करनी चाहिए जिसमें से एक स्टेट है सस्पेंडेड ब्लॉग और सस्पेंडेड रेडी स्टेट। ये जरूर आपको मेंशन करना चाहिए। एग्जामिनर पे ये बहुत अच्छा प्रभाव हो जाता है कि आपने दो ऐसे स्टेट्स मेंशन किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूलर्स कौन कौन से। तो आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स होते हैं और मीडियम टर्म शेड्यूलर्स होते हैं। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि शेड्यूलर्स कौन कौन से होते हैं, और आप ये भी बताएं कि इन शेड्यूलर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इनका रोल क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या। सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया में आपको पता ही होगा कि हमें करना क्या है, हमें
वेटिंग टाइम को, एवरेज वेटिंग टाइम को कम करना, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करना है, और रेस्पॉन्स हाई करना है, मतलब कि रेस्पॉन्स टाइम को हमें कम करना है, और साथ ही साथ अपने सिस्टम का थ्रूपुट को इम्प्रूव करना है, मतलब कि यूनिट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हो गया। इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखते हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपी शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है। तो जब भी क्राइटेरिया के बारे में बताया जाए तो आप ये बताएं कि वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, थ्रूपुट क्या है। इसके बाद आप ये भी बताएं कि एक्सपेक्टेड ये है कि हमें वेटिंग टाइम को कम करना है, हमें टर्न अराउंड टाइम को कम करना है, हमें रिस्पॉन्स टाइम को कम करना है और थ्रूपुट को बढ़ाना है। तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। इसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसमें पहली है FCFS, रेयरली कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी पूछा जाएगा कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बाद के जो टेक्निक्स हैं जिसमें एक है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राउंड रॉबिन जिसको हम गोलगप्पे वाली टेक्निक भी बोल सकते हैं, तो राउंड रॉबिन टेक्निक विद सेम अराइवल टाइम एंड डिफरेंट अराइवल टाइम। और इसके अलावा यूजुअली ये क्वेश्चन होता है कि आपने राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम को कम किया और टाइम क्वांटम को बढ़ाया, दोनों के रिस्पेक्ट में सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर इसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको जरूर सॉल्व करें। तो इससे रिलेटेड यूजुअली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, SRTF इज वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड रॉबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एक ही एग्जाम में एक ही क्वेश्चन के लिए दो टेक्निक से कंप्यूटेशन करने को कहा जाता है, और फिर हमसे कहा जाता है कि आप कंपैरिजन प्रेजेंट कीजिए इन दोनों के बीच में। तो आप पैरामीटर्स कंप्यूट कर लीजिए, मतलब कि एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट कर लीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कंप्यूट कर लीजिए, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कंप्यूट कर लीजिए, और फिर उसके बाद उन दोनों टेक्निक्स को कंपेयर कर लीजिए। इसके अलावा इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें है कि डेडलॉक क्या है, व्हाट इज दी डेडलॉक, और डेडलॉक की कंडीशंस क्या हैं, कब आप कहेंगे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक है। तो आपको पता होगा कि चार कंडीशंस अगर होंगी, साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगी तो डेडलॉक होगा, सिंगल यूनिट रिक्वेस्ट मॉडल में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, नो प्रीमिशन होगा, होल्ड एंड वेट होगा, साइक्लिक वेट होगा, तो हमारा डेडलॉक होगा। तो डेडलॉक और डेडलॉक की कंडीशंस। इसके अलावा डेडलॉक को हैंडल करने के मैकेनिज्म्स कौन कौन से, तो डेडलॉक को हैंडल करने के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें सबसे पॉपुलर मैकेनिज्म है डेडलॉक अवॉइडेंस, और इससे रिलेटेड एक बैंकर्स एल्गोरिथम है जिसको आपने जरूर पढ़ा होगा, बैंकर्स एल्गोरिथम को हम रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो आप डेडलॉक अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको नीड मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए, आपको सेफ्टी एल्गोरिथम रन करके सेफ सीक्वेंस फाइंड करने आना चाहिए, फिर जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको ग्रांट करना है या नहीं करना है, कैसे इस न्यूमेरिकल को हम प्रोसेस करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। तो मैं इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूँ, डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म में डेडलॉक अवॉइडेंस। सिमिलरली डेडलॉक को प्रिवेंट कर कैसे किया जाता है, जो चार कंडीशंस होती हैं उनमें से एक कंडीशन को रोक के हम डेडलॉक को होने नहीं देते, तो ये हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, बट बहुत ही पुअर एल्गोरिथम। तो ये भी, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखता हूँ कि ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो डेडलॉक डिटेक्शन का ये मतलब है कि हमने अपने सिस्टम को फ्रीली छोड़ दिया है और पीरियोडिकली हम ये असेस कर लेंगे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। तो रिकवरी का मतलब ये है कि हम डिसीजन लेंगे। रिकवरी के दो मैकेनिज्म्स हैं, एक मैकेनिज्म है रोल बैक, इसका मतलब है कि रिसोर्स को रोल बैक करना उस पॉइंट तक जहां तक डेडलॉक नहीं है, और जैसे हमें पता चलेगा कि डेडलॉक को हमने रिजॉल्व कर लिया है उसके बाद हम सिस्टम को फिर से फ्री करो, और एक है कि प्रोसेस को हम किल कर सकते हैं। तो हम दो मेथड से जाने और हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किस प्रोसेस को किल करना है, तो वो
भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रोसेस को हमें फिल करना। डेडलॉक के केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेट फॉर ग्राफ क्या है और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है, क्योंकि तो वेट फॉर ग्राफ एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे जिसके थ्रू भी हम डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। तो सिस्टम का जो करंट सिनेरियो है उसके लिए हम WFG कंस्ट्रक्ट करते हैं और साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम चला के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं। सो दिस कंप्लीट्स द यूनिट 3। आइए बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट, और मेमोरी मैनेजमेंट के पार्ट में केवल मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट में फिक्स्ड पार्टिशनिंग स्कीम कौन सी है। फिक्स्ड पार्टिशनिंग स्कीम क्या होती है? फिक्स्ड पार्टिशनिंग स्कीम के केस में किस टाइप का फ्रेगमेंटेशन होता है? इस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है सॉरी, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को आप कैसे डील करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें कैसे हम स्लॉट्स पे प्रोसेसेस को डालते हैं, इसके लिए बेस्ट फिट एल्गोरिथम, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम और वर्स्ट फिट एल्गोरिथम के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल इसका जरूर आएगा, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में रखता हूँ। इसके बाद वेरिएबल पार्टिशनिंग स्कीम, और वेरिएबल पार्टिशनिंग स्कीम में डायनेमिक पार्टिशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और डायनेमिक पार्टिशनिंग में आपको पता होगा कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम कॉम्पैक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो वेरिएबल पार्टिशनिंग डायनेमिक पार्टिशनिंग के केस में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करेंगे। इसका न्यूमेरिकल वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों मेथड से, मतलब बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट मेथड से हम किस तरह से मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करें। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन दी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये हर बार पूछा जाता है। वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद सेगमेंटेशन स्कीम, और जब भी मैं ये जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों में साथ साथ आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेगमेंटेशन स्कीम में किस तरह से लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, इसका डायग्राम, डायग्राम केवल बनाना नहीं है बच्चों, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि ये डायग्राम कैसे फंक्शन करता है। फिर इसके बाद सिमिलर पेजिंग में भी लॉजिकल एड्रेस को कैसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया गया, तो डायग्राम के थ्रू आपने बता दिया। फिर इसके बाद इन स्कीम्स में न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। अगर सेगमेंटेशन का न्यूमेरिकल आया है तो पेजिंग का नहीं आएगा, और अगर पेजिंग का न्यूमेरिकल आया तो सेगमेंटेशन का। तो न्यूमेरिकल में आपसे यही पूछा जाता है कि लॉजिकल एड्रेस कैसे निकाला आपने, फिजिकल एड्रेस कैसे निकाला, पेज टेबल की साइज क्या होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पेज टेबल की साइज क्या होगी। सेगमेंटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करना, इवन पेजिंग से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। आप 2 मिनट के अंदर जो है 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जब आप पेजिंग स्कीम है तो आप ये भी जानें कि पेजिंग स्कीम में टाइप्स ऑफ पेज टेबल क्या क्या, टाइप्स ऑफ पेज टेबल कौन कौन से होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ एड्रेस, मतलब लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर। तो TLB के बारे में जानना, TLB का डायग्राम और TLB से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी, किस तरह से हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम कंप्यूट करते हैं TLAB का अगर हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड पेजिंग क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी का जब आप यूज कर रहे हैं तो डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, पेज फॉल्ट क्या होता है, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कंप्यूट करना विद द डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, फॉर एग्जाम्पल FIFO, ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी 100% आएगा आपके एग्जाम में।
एलआरयूज की और ऑप्टिमल स्कीम। तो इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूँ कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कंप्यूट करना। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेलाडीज एनोमली क्या होती है और बेलाडीज एनोमली को किस तरह से हैंडल किया जाता है, बेलाडीज एनोमली जो है वो किस टेक्निक में ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो फिफो स्कीम होती है, आपको पता होगा कि जो स्कीम स्टैक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं वो दो स्कीम्स डू नॉट फॉल इन द बेलाडीज एनोमली, लेकिन जो नहीं फॉलो करेंगी वो बेलाडीज एनोमली में फॉल करेंगी। तो नंबर ऑफ पेज फ्रेम बढ़ाने से भी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं, ये स्कीम फिफो में होता है। वैसे तो पेज सेगमेंटेशन भी एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन यूजुअली इसके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। तो दिस कंप्लीट्स यूनिट 4। आइए अब यूनिट 5 के बारे में देखते हैं कि यूनिट 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये हमारी लास्ट यूनिट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं यूजुअली और आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत ही आसान। तो डिस्क शेड्यूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का। आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको कोई एक एड्रेस गिवन हो तो आप उसको ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे या ब्लॉक नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल से आप किसी किसी या नंबर ऑफ ब्लॉक्स को, अगर आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिवन है तो उसको ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीक टाइम क्या होता है और रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर रेट क्या होता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही या इन तीनों को सम करके आप फाइंड कर सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा नंबर ऑफ ब्लॉक को ट्रांसफर करने। इसके अलावा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ये मतलब है कि जो हमारे रीड राइट हेड्स होते हैं उनके मूवमेंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए आपने जरूर पढ़ा होगा फिफो एल्गोरिथम या FCFS एल्गोरिथम इसको हम कहते हैं, और इसके बाद फिर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ये। इसके अलावा स्कैन एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, एलिवेटर एल्गोरिथम भी इसको कहते हैं। इसके अलावा सी स्कैन एल्गोरिथम, स्कैन और सी स्कैन के जो वेरिएशंस हैं, लुक एल्गोरिथम और सी लुक एल्गोरिथम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हैं। और एक रिक्वेस्ट गिवन है, मैंने एक सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट गिवन होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कंप्यूट करना होगा इन सभी पैरामीटर्स, इनके डिस्क के हेड के मूवमेंट्स को, तो हेड मूवमेंट को काउंट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता हूँ। इसके अलावा रेड, यस रेड में आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होगा कि रेड है क्या। तो रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क या रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इसको हम कहते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ या रेड के लेवल्स के, तो रेड लेवल 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। और प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेड लेवल 0+1 क्या है और रेड लेवल 1+0 क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी आप इसके बारे में लिखें तो ये जरूर मेंशन करें कि इसमें डिस्क यूटिलाइजेशन कितना है। आपसे एग्जामिनर जरूर ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जब भी आप रेड लेवल्स के बारे में लिखें तो डिस्क यूटिलाइजेशन के बारे में जरूर लिखें कि ये वाला अगर रेड लेवल यूज किया गया तो डिस्क यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव डिस्क यूटिलाइजेशन कितना है। इसके अलावा जो पार्ट, इसमें एक्चुअली 3 पार्ट है इस यूनिट में, तो ये तो पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट ये है इसमें कि फाइल सिस्टम के बारे में, तो फाइल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइल डायरेक्टरीज हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि फाइल डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन, डायरेक्टरी को इंप्लीमेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं, फाइल को एक्सेस करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, फाइल को अगर हम एक्सेस करना है तो एक्सेस के मेथड्स कौन कौन से हैं, फिर फाइल का जो डिस्क होती है, फाइल के जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉक को एलोकेट करने के मेथड कौन कौन से हैं,
कंटिगुअस एलोकेशन हो सकता है, लिंक्ड एलोकेशन हो सकता है, इंडेक्स्ड एलोकेशन होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइल कंट्रोल ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, वैसे ही फाइल कंट्रोल ब्लॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ फ्री स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा हार्ड डिस्क पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइल से रिलेटेड, इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइल सिस्टम क्या है, लेयर्ड अप्रोच क्या है, जिसके थ्रू जो हम फाइल सिस्टम को समझ सकते हैं। तो एक लेयर्ड अप्रोच के फॉर्म में आप जरूर बताएं कि फाइल सिस्टम क्या है, आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्स्ट लेयर में, उसके नीचे लॉजिकल फाइल सिस्टम, उसके नीचे फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, उसके भी नीचे आपके आईओ कंट्रोल, और फाइनली आपके डिवाइसेस। ये जो पांच लेयर्स हैं, इन पांचों लेयर को एक्सप्लेन करना और जो बीच की तीन लेयर्स हैं ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लेयर्स का काम क्या है, वर्क क्या है, क्या करता है फाइल लॉजिकल फाइल सिस्टम, व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, व्हाट इज द वर्क ऑफ द आईओ कंट्रोल, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये यूनिट है उसमें कुछ चीजें आईओ से भी रिलेटेड हैं, इनपुट आउटपुट से, जो आपने जरूर पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ओएस में दोबारा से आपने पढ़ा होगा, तो इसमें प्रोग्राम्ड आईओ के बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, डीएमए के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, प्रोग्राम्ड आईओ और डीएमए के बीच में डिफरेंस, इसी तरह से आपने इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इन तीनों के बारे में जानकारी और इन तीनों के बीच में डिफरेंस। इसको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से रखता हूँ क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा कि डीएमए क्या है, और अगर ये नहीं पूछा गया तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा कि ये तीनों, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक चीज मैं भूल गया और वो मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ, थ्रेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लगभग हर एग्जाम में थ्रेड के बारे में पूछा जाता है, व्हाट आर द थ्रेड्स, और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कौन कौन से। टाइप्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग मॉडल में आपको पता होगा वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, तो इन सभी का डिस्क्रिप्शन डायग्राम के थ्रू भी आप एक्सप्लेन करें और अपने राइटिंग अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करें, साथ ही साथ आप इसमें ये भी बताएं कि इनके एडवांटेजेस क्या है, वन टू वन का एडवांटेज क्या है, वन टू मेनी का एडवांटेज क्या है, मेनी टू मेनी का एडवांटेज क्या है, यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, कर्नल लेवल थ्रेड क्या है, ये भी आप जरूर बताएं, क्योंकि जब आप इन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे तो इसको आप कर्नल लेवल थ्रेड और यूजर लेवल थ्रेड के थ्रू ही एक्सप्लेन करें। एक और चीज है कि टीसीबी, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, तो थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में मैंने बताया था, वैसे ही थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि प्रोसेस और थ्रेड्स जो है वो शेयर करते हैं, कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि प्रोसेस के लिए सेपरेट है और कौन सा पार्ट थ्रेड के लिए सेपरेट है। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आए होंगे और आप अपने एग्जाम को अच्छे से लिखें, जब भी आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर बनाएं, हर एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करें, जब भी आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो न्यूमेरिकल के केस में भी आप जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं उस मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने वर्ड्स में, एक पैराग्राफ उसके बारे में जरूर लिखें, और जो जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उन स्टेप्स में भी कमेंट्स लिखें कि हमने इस स्टेप में क्या किया। आप मान लीजिए कि आपके एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है और फिर आप उसको समझाइए कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, इसी तरह से आप सबसे अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। मैंने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस के जो लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैं इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप सभी लोग उन वीडियोज को रेफर कीजिएगा और उन सभी वीडियोज को पढ़िएगा। विश यू गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू।